चाय के लिए रुके हैं सब लोग, अपने भाई लोग खड़े हैं। ये एक अपाची आई है, एक स्प्लेंडर आई है, एक बुलेट आई है। गाइस 3 दिन की ट्रिप रहेगी हमारी, नैनीताल, 3 करोड़ के बाद और मुक्तेश्वर जाएंगे। देखते हैं गाइस आज कहाँ स्टे होता है, और वीडियो बने रहे, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आगे मिलते हैं। लिए ये भाई खड़ा, क्या नाम है भाई तेरा? सचिन। सचिन नाम है भाई का, और भाई की है कौन सा चौराहा है? इंदिरा चौक। इंदिरा चौक के दौरे भाई की दुकान है, बहुत बढ़िया चाय है। सभी लोग आए तो भाई यहीं पर चाय पिए। दोस्तों रुद्रपुर से निकल चुके हैं, यहाँ से लगभग 30 मिनट लगेंगे काठगोदाम पहुँचने के लिए, और उससे काठगोदाम से ऊपर फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है नैनीताल के लिए, तो वहाँ थोड़ा गाड़ी स्लो चलती है। मिलते हैं आगे। इतने आप स्लो मोशन एंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। दोस्तों काठगोदाम आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ से अब पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं, और ये चीज़ अच्छी है कि धूप निकल रही है, मौसम साफ है। और ये राहुल और मुकेश आगे अपाची पर, और यहाँ से जो नेचुरल ब्यूटी है, जिस चीज़ के लिए आप और हम लोग आते हैं पहाड़ों पर, जो डेंजर रोड हैं, साइड में खाई, एक साइड पहाड़, और अपनी राइड को इंजॉय जो करते हैं, वो चीज़ अब यहाँ से शुरू हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। बस नैनीताल रोड पर निकल चुके हैं हम लोग। दोस्तों मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, आप और हम लोग जब जब कभी उत्तराखंड या कहीं पहाड़ी इलाके में ट्रिप बनाते हैं, प्लान करते हैं, तो बस यही चीज़ देखने के लिए आते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है और दिल को एक सुकून देती है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय आता है। जो कुदरती खूबसूरती उत्तराखंड में है या जहाँ भी पहाड़ हैं वहाँ पर हैं, वो कहीं नहीं है। ये हरियाली, ये पहाड़ और ये रोड तो अपनी तरफ खींच लेता है एक तरीके से। ये रिंग रोड राउंड 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 राउंड, वो दूर दिख रही है गंगा जी। बहुत थोड़ा यहाँ मौसम भी ठंडा है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय आता है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो दोस्तों बहुत ही पसंद है पहाड़ों पर घूमना। आप भी कमेंट करके बताइए आपको कौन सी जगह पसंद है। दोस्तों हमारे साथ चल रहे हैं सौरभ भाई, बिल्कुल हमारे साथ बराबर में, फुल एंजॉय करते हुए राइड को। आज नैनीताल स्टे करेंगे और नाइट में ही रुकेंगे, सुबह ही निकलेंगे यहाँ से नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए, और वहाँ से सीधा मुक्तेश्वर के लिए निकलेंगे। और नैनीताल जो घूमेंगे वो लौट जब हम वापस आएंगे नीम करौली मुक्तेश्वर से नैनीताल ही आएंगे, नैनीताल तब घूमेंगे पूरा।
आपको वीडियो में ना लग रहा हो शायद, लेकिन इस रोड पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है रोड। ये मैं चल रहा हूँ रियल में, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और सामने ये वादियाँ, ये पहाड़। पाँच मिनट के बाद बस हम लोग नैनीताल पहुंचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा करीब है नैनीताल के। नैनीताल में मिलते हैं फिर आपसे होटल पर। दोस्तों अभी हम लोग झील पर थे, वहाँ करीब 3:30 बजे आ गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने चाय पी और उसके बाद हमने सीधा होटल ढूंढा। और ये यहाँ से जू रोड है, जू रोड पर है सूर्य होटल, इस होटल पर रुके हैं। सब लोग अभी अभी रूम पर आए हैं और थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद आपसे इवनिंग में मिलते हैं। ओके दोस्तों, इवनिंग में मिलते हैं फिर। गुड इवनिंग दोस्तों, आ गए सीधा झील पर। ये इवनिंग का नज़ारा झील का बहुत ही सुंदर लग रहा है, जब शैडो आ रही है पानी में। ये राहुल भाई, उधर मुकेश भाई, सौरभ भाई खड़े हैं और सामने दोस्तों आपको लाइटिंग दिख रही है। इधर ही अपना सूर्य होटल जहां हम लोग रुके हुए हैं। और इवनिंग में काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये ब्लू लाइट ऊपर खम्बे की। और ये शैडो जो आ रही है झील के अंदर, सब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह का नैनीताल का ब्यूटीफुल नज़ारा राहुल भाई, और सामने जो पहाड़ पे घर दिख रहे हैं बिल्कुल फोटो की तरह लग रहे हैं। और अब सीधा यहाँ से ताल पे चलेंगे और फिर थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर होटल से सीधा नीम करौली बाबा। सब लोगों ने बाइक उठा ली है दोस्तों और यहाँ सब सीधा नीम करौली बाबा के लिए चल रहे हैं।